हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और टेक्निकली ब्रेन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टेंट लोन पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे। आप जो कैसे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं और जो इस बहुत ही न्यू एप्लीकेशन है, अगर आप जो है ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आपको जो यहाँ पे 100% लोन मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे और कौन सी एप्लीकेशन है और कितना आपको लोन मिलेगी और इंस्टेंट मिलेगी तो कितना टाइम के अंदर मिलेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा डिटेल्स आपको लोग को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं न्यू व्यूअर्स, नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल घंटा रहेगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का जो पहले आप सबसे पहले बता दूँ कि बाद में बताएं कि एड में बता रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आप लोगों से सबसे पहले बता दूँ, आपका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आपका जो है बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसे चाहिए तो ऑब्वियसली एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो बैंक अकाउंट भी भैया आपको चाहिए और आपका जो है आपका मतलब बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, आपका सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर जो है आप ये सब जो आपके पास है तो आप वीडियो आगे तक देखते रहिए, कैसे क्या करना ही है आपको मालूम हो जाएगी। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद जितनी भी प्रोसेस है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम ये जो है आप देख सकते हैं NIRA, तो नीरा ऐप जो है, इसमें आपको कैसे मतलब क्या क्या करना है पूरा स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो इसको मैं सिंपल ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या डालना होगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आती है सिलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको जो बंगाली, तमिल, कन्नाडा, हिंदी और भी मतलब इंग्लिश भी मिल जाती है। तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश पे कर लेता हूँ, बहुत आदमी लोग को समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरव्यूज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगी, ये है लॉगिन का ऑप्शन, तो इसको क्लिक करेंगे आप। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स आपको अलाउ करना होगा, जो यहाँ पे लोकेशन, कॉन्टैक्ट, डिवाइस इंफॉर्मेशन और SMS जो है आपको अलाउ करना होगा। तो मैं फिलहाल ओके ओके गेट पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो अलाउ पर कर दिया, यहाँ पे आप फेसबुक से लॉगिंग हो सकते हैं, नहीं तो आप जो फ़ोन नंबर से भी लॉगिंग हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो फ़ोन नंबर से लॉगिंग हो जाता हूँ, होने के बाद आप लोगों से दिखाता हूँ। तो फिलहाल जो है मैं अभी यहाँ पे लॉगिंग हो चुका हूँ। लॉगिंग होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरव्यू आएगी, जैसे यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालना होगा प्रोफाइल के लिए, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो ये सब आप जो है डाल दीजिए। आपका मंथली सैलरी कितना है, आपका अगर आपका सिविल स्कोर पता है तो आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पर डाल दीजिए, आपका सिविल स्कोर कितना है। बाद में आते हैं आपका पिन कोड नंबर भी डाल दीजिए। डालने के बाद फिलहाल मैं ये सब डाल देता हूँ। तो ये मैं सैलरी डाल दिया हूँ और मेरा यहाँ पे आते टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, तो मेरा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस दे देता हूँ 3 साल। तो यहाँ पे सिविल स्कोर भी आपको बताई दिया जाएगी, तो अगर आपका सिविल स्कोर मालूम नहीं तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे आई डोंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा सिविल स्कोर मैं बताता हूँ लोगों को, 855 मेरा सिविल स्कोर मैं दे दिया। पिन कोड नंबर भी डाल देता हूँ, फिलहाल मेरी ओरिजिनल पिन कोड नंबर डाल देता हूँ। पिन कोड नंबर डाल दिया, पता नहीं इसमें, तो यहाँ पे बता रहा है कि सॉरी यार एरिया, यानी कि मेरा एरिया पे जो है तो इसका सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल मैं डाल रहा हूँ मुंबई की, आप लोग ये 4400 ये मुंबई की है। तो फिलहाल यहाँ पे बता रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पे जो है सर्विस अवेलेबल है, और भी बता रहा है आपके पास यहाँ पे डो है एक क्रेडिट एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड का लोन या क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो है, तो फिलहाल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड जो नंबर है तो नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपका जो लोन अमाउंट डाल सकते हैं। मैं फिलहाल आई डोंट पे क्लिक किया। तो बाद में यहाँ पे आती है आपका कंपनी, सेंट्रल कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी का एक नाम दे देता हूँ, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी का नाम दीजिए। तो फिलहाल मैं प्राइवेट दे देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड तो सबसे ऊपर में आ गया है प्राइवेट लिमिटेड। तो फिलहाल मैं ये सब भर दिया हूँ। भरने के बाद जो है मैं नीचे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप भी क्लिक कीजिए। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे मंथली सैलरी डालना भूल गया, तो मंथली सैलरी भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप मेरा 15,000 जो सैलरी है, ये सैलरी बैंक में लेती है वो क्या नहीं, ये सब जो आपका अगर बैंक में लेती है तो आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो फिलहाल मैं ये नीचे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखता हूँ अगला प्रोसेस क्या होती है। तो बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर, यानी कि मेरे को जो है 23,000 की क्रेडिट एलिजिबिली मिला है। तो देखता हूँ अगला प्रोसेस क्या आती है। तो यहाँ पे दोबारा मेरे को मांग रहा है कि वीडियो एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस, तो अलाउ कर दिया हूँ मैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज, फैमिली या सिंगल, जो कुछ भी है आप बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए। मैं ये सब डालने के बाद अगला प्रोसेस आप लोग को दिखाता हूँ। तो भैया मैं ये सब जो है पूरा फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद देखता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होती है, तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इस पिन कोड का मेरा जो स्टेट है, सिटी है, जितने भी मेरा जो एड्रेस है यहाँ पे डालना होगा। तो फिलहाल मैं ये सब एड्रेस जो है डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले बता दूँ कि यह पे जो मेरा एड्रेस है ये मैं गलत डाला हूँ, रॉन्ग डाला हूँ। अगर आपका जो कुछ भी एड्रेस है, अगर आप मुंबई पे रहते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े सिटियों में रहते हैं, तो वहाँ पे जो आपको आसानी से लोन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे जो ये एड्रेस है ये गलत है, पिन कोड नंबर मैं गलत डाला हूँ। तो यहाँ पे स्टेट भी मेरे को जो है महाराष्ट्र का डालना होगा, हाउस नंबर और एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन टू, सिटी और जो कुछ भी है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप जो है सही से ही डालिएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पहले तो मैं गलत डाल दिया, मेरे को यहाँ पे लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि एलिजिबिलिटी मिला है लेकिन लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ई आधार साइनिंग में पकड़ा जाऊँगा। तो अगर आप जो है सही से डालेंगे तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो मेरा जो एड्रेस है यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ करंट एड्रेस पे सब कुछ गलत डाला हूँ। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये मेरे को यहाँ पे पता रहा है कि तो लास्ट टाइम में एक आया जो मेरा सैलरी जो है, अब मैं बैंक में लेती हूँ या कैश लेती हूँ। तो फिलहाल मैं बैंक में कर दिया हूँ, तो मेरा जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से मैं वहाँ पे कर दूंगा। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि ओ ओके, ये भी भर देता हूँ। तो भैया ये जो मैं भर दिया, भरने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि आप जो इंडियन है या अदर्स है। अगर आप NRI है तो आप अदर्स पे क्लिक कीजिए, अगर इंडियन है तो आप इंडियन पे क्लिक कीजिए। तो बाद में यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर भी मेरे को बता रहा है कि ये 855। तो अगर आपके पास रेफ़र कोड है तो रेफ़र कोड डाल दीजिए। तो आई मीन मेरा जो रेफ़र कोड है मैं यहाँ पे डाल दिया, और डिस्क्रिप्शन पार्ट पे आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और सॉरी मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन होने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो यहाँ पे एड्रेस जो शो हो रहा है, मेरा जो डिटेल्स शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म है कि, तो यहाँ पे मेरे को जो बता रहा है कि कंफर्म है क्या आप ये पूरा। तो फिलहाल मैं ये सब जो कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखता हूँ अगला प्रोसेस क्या आती है। तो बता रहा है कि मेरा जो 23,000 जो है प्रोसीड हो चुका है। तो मैं अभी चाहूँ तो अमेज़ॉन अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड पे भी ले सकता हूँ, और नहीं तो फ्लिपकार्ट भी शॉपिंग कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं जो यहाँ पे प्रोसीड टू गेट योर लोन, तो यहीं पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद देखता हूँ क्या होती है। तो भाई आजा। तो यहाँ पे बता रहा है कि सर्विस रेटिंग देने के लिए, तो मैं लेट पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि योर वर्किंग ईमेल इज नो, तो अब मेरी एम्प्लॉय ID अदर्स, तो फिलहाल अदर्स पे क्लिक करता हूँ। ऐड फाइल्स, सॉरी ये सब तो और भी झंझट हो रहा है। तो वर्किंग वेरीफाई करना होगा सबसे पहले। तो भैया ये मैं जो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे मेरा जो वेरीफाई वर्किंग ईमेल आईडी, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी कार्ड डालना होता है, तो यहाँ पे मैं अपलोड पैन कार्ड पे क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे जो यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड पे क्लिक करूँगा, मेरे को यहाँ पे अपलोड पैन कार्ड आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो डालना होगा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, और जो यहाँ पे, तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ। फिलहाल पैन कार्ड नंबर डालने के बाद देखता हूँ क्या होती है। तो ये मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखता हूँ
तो ये अपलोड हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड कर दिया हूँ, और जो है एक फ़ोटो मेरे को देना होता है, जो एक सेल्फी सेल्फी के साथ मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक फ़ोटो मतलब सेल्फी देना होता है। तो ये सब डालने के बाद जो है मैं यहाँ पे प्रोसीड क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि यूआर डिटेल्स जो मेरे को डिटेल्स जो वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जो मेरे को बाद में कुछ ही मिनट के अंदर जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं पक्का एलिजिबिलिटी है कि नहीं। मेरे को तो लगता नहीं है कि ससुराल ये तो कितना टाइम से घूम रहा है, लेकिन तो यहाँ पे और वो 3 स्टेप है। 3 स्टेप के अंदर अगर आप जो फॉलो करेंगे, 3 स्टेप क्या होगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ई आधार साइनिंग, लोन एग्रीमेंट, और जो है बैंक स्टेटमेंट शायद देना होगा मेरे हिसाब में, क्योंकि एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो है लोन जो बैंक स्टेटमेंट होता है वहाँ पर लिखा है साफ साफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर भी आप लोगों से कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स से बताइएगा, मैं आप लोगों से पूरा कमेंट का जो हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।